हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज राइज इन ब्लड प्रेशर, मसल ट्रिमर्स, हाइपरग्लाइसेमिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। The most prominent and dose related side effect of salbutamol. तो इनमें से कौन सा है most prominent and dose related side effect of salbutamol? तो यह होता है muscle tremors. Option B will be your correct answer. Salbutamol cause कराता है muscle tremors. ये salbutamol होता है beta 2 agonist. ये use करते हैं in the treatment of asthma. And ये होता है fastest acting inhaled bronchodilator. साल्बुटामोल होता है फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। ये ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करता है विद इन 5 मिनट्स। ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराता है साल्बुटामोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ऑक्साजेपैम, अल्प्राजोलम और लोराजेपैम। एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। तो ये होता है अल्प्राजोलम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्प्राजोलम होता है सेडेटिव विथ एंजियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। ये सेडेटिव होता है विथ एंजियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल एंटीडॉट कंटेंट्स एक्टिवेटेड चारकोल, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, इपेकैक। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेंट्स। तो क्या होता है यूनिवर्सल एंटीडोट में? तो इसमें होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेंट्स एक्टिवेटेड चारकोल। अभी आप मुझे बताएंगे ये BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट किसके पॉइजनिंग में यूज करते हैं? तो ब्रिटिश एंटी लेविसाइट का यूज करते हैं इन मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ये होता है डाइमरकेप्रोल। इसे यूज करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। एंटीडॉट्स पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आप मुझे बताएंगे साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडॉट यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का। साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? तो बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फ्लुमाजेनिल। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन। आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं डेस्फेरोक्सामाइन। देन और कौन सा होता है? हेपेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट। वारफेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं विटामिन के। देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? तो एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। ठीक है, ये सभी एंटीडॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो BAL होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइट डाइमरकेप्रोल, ये होता है चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ये चिलेटिंग एजेंट होता है यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। इसे यूज करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय उस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यर्सिनिया पेस्टिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इनमें से कौन कॉज कराता है फाइलेरियासिस? फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? तो फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय उस्चेरिया बैनक्रॉप्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियासिस, तो ये होता है डाईथाइल कार्बामेजिन। डाईथाइल कार्बामेजिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है कॉजेटिव एजेंट फॉर मलेरिया। यर्सिनिया पेस्टिस कॉज कराता है प्लेग। एंड ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है VDRL। VDRL इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। एंड ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था The commonest form of malaria in India is। तो कौन सा होता है commonest form of malaria in India? तो ये होता है Plasmodium vivax। और malaria होता है protozoal disease। ठीक है, next question।
The specific interaction between warfarin and vitamin K. Antagonism, synergism, cumulation, tolerance. तो क्या होता है स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड विटामिन के? तो ये दोनों होते हैं एंटागोनिस्ट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड विटामिन के होती है एंटागोनिज्म. अभी आप मुझे बताएंगे एंटागोनिज्म क्या होता है. व्हाट इज एंटागोनिज्म? तो व्हेन वन ड्रग एबोलिशेस द एक्शन ऑफ अदर ड्रग इट इज कॉल्ड ड्रग एंटागोनिज्म. When one drug abolishes the action of other drug, it is called drug antagonism. एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को एबोलिश करता है तो उसे बोलते हैं एंटागोनिज्म. Then what is synergism? तो synergism होता है when co-administration of second active drug increases the effectiveness of first drug. यह होता है synergism. जब second drug increase करता है first drug के effectiveness को तो उसे बोलते हैं synergism. देन वॉट इज क्यूमुलेशन? क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कराता है डिजिटलिस. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटलिस. तो क्या होता है ये क्यूमुलेशन? तो क्यूमुलेशन में ड्रग स्लोली एक्सक्रीट होता है बॉडी से, जिससे बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है टू प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी. इससे प्रोड्यूस होती है टॉक्सिसिटी जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी. क्यूमुलेशन ड्रग बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट होता है जिससे बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एंड टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है. देन टॉलरेंस होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप. ये होता है टॉलरेंस. टॉलरेंस की डेफिनेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. यह होता है मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Salicylic acid is used primarily as a analgesic, keratolytic agent, antipyretic, cough suppressant. तो क्या होता है salicylic acid? तो ये होता है keratolytic agent. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Salicylic acid is used primarily as a keratolytic agent. ठीक है, next question. An overdose of D-tubecurarin interferes with oxidative enzymes of the cells. May be combated with carbachol, paralyzes respiratory muscles, paralyzes the automatic nervous system. An overdose of D-tubecurarin. तो overdose of D-tubecurarin क्या cause कराता है? तो ये cause कराता है paralysis of respiratory muscles. Option C will be your correct answer. An overdose of D-tubecurarin paralyzes respiratory muscles. ठीक है, next question. A teratogenic drug causes toxicity to liver, brain, fetus or kidney. A teratogenic drug causes toxicity to. तो teratogenic drug toxic होते हैं for fetus. Option C will be your correct answer. A teratogenic drug causes toxicity to fetus. अभी आप मुझे बताएंगे teratogenicity क्या होती है? तो teratogenicity होती है the ability of a drug to cause fetal abnormalities or deformities. Teratogenic drug causes toxicity to fetus. And most repeatedly asked teratogenic effect होता है phocomelia. Phocomelia cause कराता है thalidomide. Phocomelia में cell-like limbs हो जाते हैं और इसे cause कराता है thalidomide. बहुत बार exam में पूछा हुआ question है phocomelia is caused by thalidomide. And अभी आप मुझे बताएंगे the only vitamin which is teratogenic is. तो कौन सा vitamin होता है teratogenic? तो ओनली विटामिन विच इज टेरेटोजेनिक इज विटामिन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर, प्रोड्यूसिंग माइल्ड नोशिया, डिप्रेसिंग ब्रोंकियोलर सिक्रीशंस, नन ऑफ द अबव. कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय. तो क्या होता है कोडेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? कैसे एक्ट करता है कोडेन? तो कोडेन एक्ट करता है बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सब्सटेंस यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इंसुलिन, इनुलिन, डायोड्रास्ट और नन ऑफ द अबव. तो इनमें से किसे यूज करते हैं टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? तो इसके लिए यूज करते हैं इनुलिन का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर.
इनुलिन यूज टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड अभी आप मुझे बताएंगे सब्सटेंस जनरली यूज फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो इज, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो? तो ये भी होता है इनुलिन। इनुलिन इज यूज फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देन वॉट इज इंसुलिन? तो इंसुलिन इज ए प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड। इसके चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड, चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड एंड चेन ए एंड चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बेसिक हेल्थ वर्कर्स इन पीएससी रिकमेंडेड बाय मुखर्जी कमिटी इज 8, 4, 2 और 1? The number of basic health workers in primary health center recommended by Mukherjee committee. तो ये होते हैं 8, option A will be your correct answer. 8 basic health workers in PSC recommended by Mukherjee committee. Then अभी आप मुझे बताएंगे number of pharmacists present in PSC. तो number of pharmacists present in PSC होता है 1. And the primary health care center is under the control of medical officer. PSC is under the control of medical officer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटल कंटेनिंग डिलक्स रूम्स आर इक्विप्ड विथ फ्रिज टीवी एंड टेलीफोन इज बजट हॉस्पिटल्स, इलाइट हॉस्पिटल्स, यूनानी हॉस्पिटल्स, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स कंटेनिंग डिलक्स रूम आर इक्विप्ड विथ फ्रिज टीवी एंड टेलीफोन इज, तो ये हो जाएंगे इलाइट हॉस्पिटल्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इलाइट हॉस्पिटल्स में होते हैं डिलक्स रूम इक्विप्ड विथ फ्रिज टीवी एंड टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स इंटेंडेड फॉर यूज ऑन द आईब्रोज और आईलैश कंटेनिंग कोल टार डाइज परमिटेड, एग्जेम्प्टेड, प्रोहिबिटेड, नन ऑफ द अबव। इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स इंटेंडेड फॉर यूज ऑन द आईब्रोज और आईलैश कंटेनिंग कोल टार डाइज, तो किसमें आते हैं ये? परमिटेड, एग्जेम्प्टेड, प्रोहिबिटेड और नन ऑफ द अबव। तो ये होते हैं प्रोहिबिटेड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कलर इज टिटेनियम डाइऑक्साइड, कुरकुमिन, कॉकिनियल, कैरमल। तो इनमें से कौन सा है आर्टिफिशियल कलर? तो ये होता है कैरमल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल कलर इज कैरमल। देन ए कुरकुमिन होता है टर्मरिक एंड ए टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड पे, ये होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटीज ऑफ सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस शुड नॉट बी लेस देन 10 ml, 20 ml, 5 ml और 2 ml। द क्वांटिटीज ऑफ सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस शुड नॉट बी लेस देन, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 10 ml, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 10 ml से कम नहीं होना चाहिए, सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग रिटेल सेल लाइसेंसेस आर इशूड बाय ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कस्टम्स कलेक्टर, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस। ड्रग रिटेल सेल लाइसेंसेस आर इशूड बाय, तो इनमें से कौन इशू कराता है ड्रग रिटेल सेल लाइसेंसेस? तो इन्हें इशू कराता है ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट इशू कराते हैं ड्रग रिटेल सेल्स लाइसेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू ड्रग कंट्रोलर, केमिकल एग्जामिनर, एक्साइज कमिश्नर, गवर्नमेंट एनालिस्ट। The drug sample taken by the drug inspector for analysis are sent to, तो कहाँ पे भेजा जाता है ये drug sample taken by the drug inspector for analysis? तो इसे भेजा जाता है to government analyst, option D will be your correct answer. Drug sample taken by the drug inspector for analysis are sent to government analyst. ठीक है, next question. A list of allopathic poisons are given in शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल ई और शेड्यूल FF। तो किसमें आते हैं लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स? तो एलोपैथिक पॉइजन्स आते हैं शेड्यूल ई में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई,
अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल E1 में क्या आता है। एलोपैथिक पॉइजन्स के लिए होता है शेड्यूल ई, तो E1 किसके लिए होता है? तो E1 होता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी पॉइजन्स। आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए होता है शेड्यूल E1। देन शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। शेड्यूल FF होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। एंड शेड्यूल G होता है ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली के लिए होता है शेड्यूल G। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूरियस ड्रग्स मीनिंग विच आर इमिटेटेड सब्स्टिट्यूटेड रिजेंबल अदर ड्रग्स ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होते हैं स्पूरियस ड्रग्स? तो स्पूरियस ड्रग्स मीनिंग विच आर सब्स्टिट्यूटेड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ ड्रग हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस इट इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग। जब ड्रग को होली और पार्शली सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस इट इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल शेड्यूल R, शेड्यूल S, शेड्यूल P और शेड्यूल C। तो किसमें आते हैं बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? तो ये आते हैं शेड्यूल C में, ऑप्शन D विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल C। इसमें C में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। शेड्यूल R होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल S होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। शेड्यूल P में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। एंड शेड्यूल P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल O किसके लिए होता है? तो ये होता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट्स। शेड्यूल Y, तो Y में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल W होता है जेनेरिक नेम्स के लिए। शेड्यूल X में आते हैं NDPS, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। देन शेड्यूल H में आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। एंड शेड्यूल FF होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। ये सभी शेड्यूल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।